अरे आ गई तुम। बहुत सारा काम फैला हुआ है, इतना टाइम लगा दिया तुमने आने में। चलो पहले झाड़ू पोछा कर देना। इसको क्या हुआ? क्या हुआ कमला, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। दीदी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अस्पताल में भर्ती भी कराया तो डॉक्टर 50,000 रुपए मांग रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे दूंगी। एक जमीन का टुकड़ा पड़ा था, सोचा था उसे बेच कर दे दूंगी, पर अब तो वो भी नहीं बिक रही है। इतना परेशान क्यों हो रही है? तेरी माँ अस्पताल में, तो तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो उनके पास होना चाहिए ना। दीदी आज ही निकलना पड़ेगा मुझे, यही बताने आई थी। पता नहीं कैसे करूंगी क्या करूंगी, कुछ नहीं पता। देख तू ज्यादा परेशान मत हो, 50,000 लगेंगे ना, वो मैं तुझे दे दूंगी। इतनी परेशान क्यों हो रही है? नहीं दीदी, आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ मैं, मुझे लौटाने भी तो होंगे, मेरे पास नहीं हुए तो मैं कहाँ से दूंगी। मैंने तुझसे पैसे मांगे वापस? नहीं मांगे ना। और वैसे भी तू इस घर में 6 महीने से काम कर रही है, इतना फर्ज तो मेरा भी बनता है ना कि तेरे घर में कोई बीमार हो, तुझे जरूरत हो पैसों की, तो मैं तुझे दे पाऊँ, है ना? पैसों की टेंशन मत ले। और वैसे भी तुझे तो अच्छे से पता है मेरी माँ नहीं है, तो तेरी माँ मेरी माँ हुई ना, तो ये पैसे मैं अपनी माँ के इलाज के लिए दे रही हूँ। मैं अभी लेके आती हूँ, परेशान मत हो, रोना बंद कर। ये पूरे 50,000 रुपए। माँ का अच्छे से ध्यान रखियो, और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो ना, बेझिझक होके मुझे फोन कर दियो, ठीक है? और पैसों की भी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं दे दूंगी। शुक्रिया दीदी, मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे ना मैं आपको लौटा दूंगी। बोला क्या लौटाने के लिए? अब तू ज्यादा मत सोच, माँ की तबीयत खराब है ना, तो जल्दी जा और ध्यान रखियो माँ का। चल जाओ। कमला, एक गिलास पानी लाना। ये लीजिए। अरे कमला कहाँ है? वो अपने गांव गई है। ये आजकल कोई ज्यादा गांव नहीं जाती है? नहीं, उसकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ की तबीयत क्यों, क्या हुआ? बताती हूँ। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अस्पताल में भर्ती भी कराया तो डॉक्टर 50,000 रुपए मांग रहा है। तुझे तो अच्छे से पता है मेरी माँ नहीं है, तो तेरी माँ मेरी माँ हुई ना, तो ये पैसे मैं अपनी माँ के इलाज के लिए दे रही हूँ। मैं अभी लेके आती हूँ, परेशान मत हो, रोना बंद कर। वो जो आपने सेविंग्स के पैसे दिए थे ना, उसमें से मैंने 50,000 रुपए कमला को दे दिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इसलिए सेविंग्स करते हैं हम लोग कि तुम काम वाली पर पैसे उड़ाते फिरो। वो उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो हमारे घर पे 6 महीने से काम कर रही है, इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना कि उसकी मदद करें। तो काम करने के पैसे हम देते हैं ना उसे, और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उसकी माँ की तबीयत सच में खराब है? मैं ऐसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ, कोई माँ की तबीयत खराब नहीं हुई है, ये पैसे लेने के तरीके हैं हमसे।
उसकी कोई माँ की तबीयत खराब नहीं हुई है, अपनी अय्याशी के लिए लिए हैं उसने ये पैसे। तो कैसी बात कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा रो रही थी, झूठ नहीं बोल सकती वो। हाँ तुम्हें पूरी दुनिया का पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। पैसे देने से पहले एक बार फोन करके पूछ नहीं सकती थी, पैसे कब देगी वो। मैंने उसे पैसे इस वजह से नहीं दिए कि वो मुझे पैसे वापस करेगी, मैंने उसकी मदद की है। वाह तुमसे बड़ा दयावान ना मैंने आज तक नहीं देखा। ये 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती जो तुमने निकाले और ऐसी दे दी उसे। अब देखना वो काम वाली आएगी नहीं, और आज के बाद ना मेरे पैसे मुझसे बिना पूछे किसी को नहीं देना। भाई तुझे तो पता ही है शेयर मार्केट का कितना बुरा हाल चल रहा है, फिर अभी बहुत नुकसान हो गया है, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। तू हो सकता है तो कुछ पैसे करा दे भाई, मैं जल्दी लौटा दूंगा। क्या हुआ? फोन काट दिया। मैं घर से कुछ पैसे मांगू? नहीं नहीं मैं करता हूँ, मैं देखती हूँ। दीदी नमस्ते। नमस्ते, आना अंदर आ। ये बताओ माँ की तबीयत कैसी है, ठीक है ना वो अब? बस दीदी भगवान की कृपा से माँ बिल्कुल ठीक है अब। वैसे दीदी जो आपने मेरे लिए किया आज के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं करता। दीदी आपकी वजह से आज मेरी माँ सही सलामत है, आपका बहुत उपकार है हमारे ऊपर। और दीदी ये वो पैसे हैं जो आपने मुझे उस समय दिए थे। वो दीदी मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जमीन का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, बस वो जमीन बिक गई और पैसे आ गए। रखो आप। दीदी जब हमारी जमीन बिकी ना तो माँ ने यही बोला कि जिन्होंने हमारी बुरे वक्त में मदद की है सबसे पहले उनके पैसे लौटा कर आ। तो बस दीदी चली आई आपके पैसे लौटाने। अच्छा दीदी मैं काम कर लेती हूँ घर का। नहीं कमला वो इनका ना बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है बिजनेस में, तो अभी तो घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, राशन तक के पैसे नहीं है घर में, तो तेरी सैलरी कहाँ से कर पाऊँगी। जैसे घर के हालात ठीक होंगे ना मैं तुझे वापस बुला लूँगी, पर अभी तेरी सैलरी नहीं दे पाऊँगी मैं। उनकी बातें कर रही हो दीदी, आपने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है, आप फिक्र मत करो मैं बिना सैलरी के काम कर लूँगी। नहीं नहीं तुझे भी तो अपना घर चलाना है, ऐसे कैसे। कोई दिक्कत की बात नहीं है दीदी, मैं और घरों में भी तो काम करती हूँ, मेरे पास वहाँ से पैसे आ जाएंगे, पर मैं यहाँ तो बिना सैलरी के ही काम करूँगी, और जब आपके पास होंगे तब आप मुझे दे देना। अब मैं जाऊँ काम करने। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो इंसान आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा।